क्या करते हैं आप मुख्य रूप से? मैं एक डांसर हूँ और क्रेजी भाई क्रेजी। हेलो वेलकम बैक टू द अतुल किंग व्लॉग। सो गाइस आज मैं जा रहा हूँ नोएडा। नोएडा में एक डांस कंपटीशन है जिसको मैं कर रहा हूँ होस्ट। तो भाई हमारी कॉल टाइम थी 10 बजे की और टाइम हो चुका है, यहीं पे घर पे 10 बज चुके हैं। तो अभी मेरी बातचीत हुई है, वो बोल रहा है आ जाओ फटाफट, तो तुम्हारा भाई निकलता है। आउटफिट चेक कर लो एक बार भाई का अपने। बोलो भाई। वैसे मैं सोच रहा हूँ यार आउटफिट वहीं पे जाके दिखाऊँ, वहीं पे दिखाता हूँ आपकी। अभी हम निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सो फाइनली हम आ चुके हैं नोएडा सिटी में। आप देख ही सकते हो कितना ही प्यारा बना रखा है। बट एक बात है भाई, नोएडा के रोड्स बहुत अच्छे बन चुके हैं पहले के मुताबिक। जब से यहाँ पे फिल्म सिटी आई है, अच्छे बहुत ही प्यारे रोड हो गए। और ये आप देख सकते हो जैसे हम मुड़े, ये लिखा हुआ है नोएडा। तो लोकेशन पे बाइक मैंने खड़ी कर दी है, आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये रहा ईशान म्यूजिक कॉलेज और अभी मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ। ये रहे सारे डांसर्स और यहाँ पे हो रहा है रजिस्ट्रेशन। ये भाई लोग, ये बंदे अपने, बाकी दिखाता हूँ अंदर का सीन। थैंक यू ब्रो। ये ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर भाई बहुत ही गहरे बंदे हैं। बाकी आपको लोकेशन दिखाता हूँ। अभी चेंज हो गई है लोकेशन, मतलब पहले ना कहीं और होता था, मतलब पहले कहीं और होता था, अभी कहीं और हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी बच्चे देख लो। आज परफॉर्म करने वाले हो ना तुम फुल पावर? यस सर, फुल पावर में। ये चारों के चारों भाई बहुत ही हैवी बंदे हैं। अभी इनका परफॉर्म देखना, ठीक है? ओके। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। अभी ये गेट हो गया है और यहाँ से खुल के मेरे साथ एक और एंकर थी, उसने शो स्टार्ट कर दिया। शो स्टार्ट हो चुका है। ये रहा मेरा भाई, एक ये रहा और ये रही एंकर काजल। सारी मेरी खैर बनावा। केसरिया सबको आया। देखो कंपटीशन अलग है अपनी जगह पर डांस अलग है। कोई भी जीतेगा जीतेगा डांस ही है ना। तो एक बार डांस के लिए अल्लाह मचाओ कर दो भाई। भाई फुल मजा आ रहा है, फुल वाइब बनी पड़ी है, फुल पावर। कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है, क्या बात है भाई। तो ये लो वाइब जसो की चेक करो, फुल वाइब चेक करो। और ये स्टार्ट जसो के, तेरे बच्चे जसो के हो रहा भाई, चेक कर लो। भाई आर्ट है क्रेजी। भाई तो किस चीज को रिजल्ट का वेट है? हल्ला में जाके बताओ ब्रो, किस चीज को रिजल्ट का वेट है? मेरे तो जूनियर कैटेगरी में इसलिए पसंद है क्योंकि जूनियर बच्चे ना बहुत जुनून में रहते हैं। अभी सीनियर का नाम आएगा ना, आराम से बैठ जाएंगे। तो भाई रिजल्ट के लिए सर आप आ जाओ एक बार। मैम अभी इधर मनन्या मैम, रजत सर और विशाल सर के लिए, तीनों के लिए एक बार हल्ला मचा दो। तीनों के तीनों बहुत प्यारे लग रहे। मैं भी ये वाले शूज पहन आया था, मैं पहन के नहीं आया बस। चेक कर लो भाई, ये बच्चे हैं, ये पापा हैं। दूर तुझसे होने की सबर देते हैं। ये लड़का छोटा सा विनर है, ये लड़का विनर है भाई।
भाई दोनों में वाइब थी, दोनों बहुत जज का रिजल्ट हो चुका जूनियर कैटेगरी जज का, तो मैं उनसे एक बार पूछना चाहता हूँ उन्हें कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबके पेरेंट्स आए थे, स्टूडेंट्स आए थे, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स देखने को मिले। गर्ल्स बहुत अच्छी लगी मुझे। आप ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ऑर्गेनाइजर के बारे में तो क्या ही बोले, थैंक यू पहले तो उनको, क्योंकि उन्होंने हमें एक लेवल एक वैल्यू करा है ना। उसके लिए आर्टिस्ट तो है वो अच्छे, लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे है, बहुत हम्बल है। सच में यार बहुत प्यारे हैं। पैसा बहुत दिया ना तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, लिटरली वो बहुत अच्छे। आई स्वेयर वहाँ मैं बोल नहीं पाती क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, बहुत डरपोक टाइप की हूँ, बट मैं सच में दिल से बोल रही हूँ। आपका सर बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। और बाकी ये मेरा विशाल भाई, आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया सच में। प्रदीप भाई ऐसे हमें हरदम मौका दे आने का, हम तो चाहते हैं आपने भी दे हमें भी दे। आप भी तो हमें मौका, लास्ट बार एक बार तो गलती आपसे होती है। अरे कोई गलती नहीं। क्रेजी भाई वॉल्यूम 2 इज कमिंग सून। बाकी मेरा भाई आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, कैसा लगा? गाइस बहुत मजा आया सच में। इसमें अच्छी बात ये थी यार, हम परेशान हो गए थे कि किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा मस्त था। एंड ऑर्गेनाइजर के लिए यार क्या बताऊं भैया, काफी मस्त है, काफी मस्त भाई। ऑर्गेनाइजर सच में अच्छे हैं, मेरे से अच्छे हैं, ठीक है कि मतलब हाँ, फुल रिस्पेक्ट आर्टिस्टों की। सबसे मेन है आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट, सो वो उन्होंने फुल दिया है। एंड बस बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर। चलो कैसे लगता है? बाय बाय। बाकी मेरे भाई ने यार, वो बंदा कहाँ है, ये रहा मेरा भाई, इसने बीट बॉक्सिंग की थी भाई, बहुत ही प्यारी सच में भाई, बहुत प्यारी यार। ये बंदे भाई वी होमी के बंदे हैं पूरे। चलो भाई जा रहे हो, जा रहे हो तुम लोग? अगर ऐसे आर्टिस्ट, नोट ऐसे, सॉरी मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ, ऐसे आर्टिस्ट भाई, अगर ना इतने पैशन वाले बंदे रियलिटी शो कर सकते हैं, स्टेज पे आके डे बाय डे परफॉर्म करना, अपने स्टूडेंट को लाना परफॉर्म कराना, बहुत बड़ी बात है भाई ये डांस के लिए। तो एक बार दिल से फुल सर, आप दो शब्द में 100 शब्द बोलो, वो लोग सुनना चाहते हैं आपको। एक्चुअली मैं ना आज ना किसी शो में 6 साल बाद आया हूँ, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, चेस्ट की 2 हड्डी टूट गई थी और उसमें से मैं डांस छोड़ना पड़ा। बट मैं आप सिखाता हूँ, कोरियोग्राफर हूँ मैं। एक चीज बोलते हैं ना कि भूखा रोटी के पास जाता है ना, तो डांस कैच कर सकता हूँ। और एक बात और बोलूंगा मैं आप लोगों को कि अपने काम करें, ईमानदार रहो आप लोग। ईमानदार बोले तो ये बेचारे काम चीजें होते हैं ना, तो वो फिर ज्यादा फीस लेते हैं, जल होते तो नहीं यार, ऐसे में नहीं। 1% मैं बच्चों से फीस भी लेता हूँ, मैं सिखाता भी हूँ, लेकिन मैं 1 घंटे की फीस लेकर जो 4-4 घंटे सिखाता हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात, जितने भी बच्चे रियलिटी शो में गए हैं उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट डांस सीखा है मेरे से। मेरी एक बैच में बची गई थी सुपर डांस तक, तो मेरे बगल लोग ने एक हंस गए थे अभी रिसेंटली हैदराबाद के शान में, एक पल को गई थी मेरी इंडिया में डांसर में, और अभी भी और इसी में फर्स्ट राउंड चल रहा है, तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है, ट्राई करते रहेंगे जब तक कम है, बाकी भगवान के हाथ में ना। चलो अभी शो देखते हैं, गार्डन बोलता हूँ, थैंक सो मच। आगे भी सीट खाली। एक बार अगेन सीनियर कैटेगरी के जितने भी बंदे हैं, पहले तो रजिस्ट्रेशन करा लो क्योंकि अपने पास 11 है, और एक बार पहले हल्ला मचा रहा। तो पहले एके डॉक्टर भाई, अब हो रहा है सीनियर कैटेगरी स्टार्ट होने वाली है, मतलब सीनियर मोस्टली 2-3 परफॉर्म हो गए हैं, और तुम्हारे भाई ने आउटफिट चेंज कर लिया, तुम्हें पता ही है, देख लिया, बंदे सारे रेडी हो चुके हैं। ये देख लो भाई लोग अपने पूरे फुल पावर, अभी भाई अंदर कर रही है काजल एंकरिंग,
क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बाहर आया था, फुल चेंज वेंज पहले ही कर लिया था, मतलब खाना वीना खाना खा लिया, बाकी जूनियर खत्म, सीनियर दिखाता हूँ। सच में भाई ये बंदा परफॉर्म करने वाला है, और हवाबाजी पहले स्टार्ट है भाई। सीनियर कैटेगरी करेंगे, लेट आए भाई। पता है मैं दोबारा सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो लोग स्टार्ट ही नहीं हुआ था, ये सीन हो गया था भाई, है ना भाई। मैंने खुद स्टार्ट किया था क्लोथिंग का, सच भगवान कसम, चेक कर ले, है ना। ये भाई देख लो, और ये भाई देख लो परफॉर्म करने वाले हैं, ये वाले भाई देख लो, इनका एक कॉम्पिटिशन भी आने वाला है, लाइक बैटल आने वाला है रिवील के नाम से, वो भी स्टेज पे बताऊंगा, है ना, जब सुन लेना। और भाई देख लो, वो ऐसा लग रहा है कोहरे में खड़ा हो, वो वाली धूप आ रही है ना, अब साफ हो गया। भाई ग्रुप कैटेगरी स्टार्ट हो गई है, देख लो ग्रुप के बच्चे छोटे छोटे। भाई डू इट कैटेगरी स्टार्ट हो चुकी है और मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, बाकी सबने कर लिया, देख लो। मैं आराम से बैठा हूँ, लेट्स गो। भाई थैंक यू, एक अनाउंसमेंट है, थैंक यू, आप बैठ सकते हो। एक अनाउंसमेंट है बैटल के लिए, रिवील वॉल्यूम 1 हो रहा है, हमने जो भी बात दिल्ली में जिस जो चार कैटेगरी में रैपर स्टाइल भी है, पॉपिंग भी है, और लिरिकल भी है, और किड्स कैटेगरी में रैपर स्टाइल, जिसको जज कर रहे हैं आकाश डीबीसी, है ना। सब जानते होगा आकाश डीबीसी को, है ना भाई, जानते हो ना, एक बार हल्ला मचा दो आकाश के लिए, जानते हो भाई, है ना। बैनर बहुत अच्छा हो रहा है, और इसमें जतिन जेडी भी जज पे है, जतिन जेडी भाई जज पे है पॉपिंग कैटेगरी, और अपना पॉप एंड कृष्णा गाजियाबाद का छोटा वो किड्स कैटेगरी में जज है, और ऋतिक मोहनसानो वो लिरिकल कैटेगरी में जज है, और एमसी तुम्हारा भाई है, तो समझ ही जाओ गेम पूरा हैवी होने वाला है। और ऑर्गेनाइजर सागर चौधरी मेरा भाई है, कॉन्टेक्ट कर लेना रिवील वॉल्यूम 1 से, या फिर मैं से कर लेना, आकाश से कर देना, जतिन से, जिस मर्जी से कर देना, बट आना जरूर। 19 फरवरी को हो रहा है ना, इस संडे को छोड़ के नेक्स्ट संडे सब लोग मिलना वही है। थैंक यू सो मच, एक बार हल्ला मचा दो रिवील के लिए, चलो नेक्स्ट। यही भाई डूब के ऑर्गेनाइजर है, यही बंदा भाई, ये बंदा फर्स्ट आया। भाई ये भैया यार बहुत ही सही है, आर्ट है भाई, आर्ट है, आर्ट के आगे कुछ नहीं है। काजल हट, काजल एक बार हटना, ये कोरियोग्राफी अवार्ड भाई, अल्लाह मचा दो भाई, ये देख लो न्यू जनरेशन क्रू,
ये बंदे फर्स्ट है भाई, अपने भाई लोग फर्स्ट आ गए। आप फर्स्ट आए हो सर, आप फर्स्ट आए हो, हाउ डू यू फील ब्रो? बस फील यही है, मुझे छोड़ के अगर खुद पे ध्यान दोगे तुम फर्स्ट आ जाओगे, मेरे पे ध्यान मत दो। एकदम बढ़िया बात बोल रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, इसको फॉलो कर लेना। एक छोटी सी बात मैं बोलूँगा, ये जो हिप हॉप का गेम है ना, ये हिप हॉप एक सागर है और इसकी मैं शार्क हूँ। क्या बात, मीडिया या शो में और ये बच्चे सारे हेरे मीडिया पार्टनर, ये रहे। एक बार सर दिखाओगे क्या है, देख सकते हो, नई सुबह चेक कर सकते हो भाई, बंदे सारे मेरे भाई। मीडिया यार तुम्हारा इंट्रो, पूरा इंट्रोडक्शन होगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, या गए साहिल भैया, फुल इंट्रोडक्शन पे इंट्रोडक्शन होगा आज। ये है भाई, ये हमारी एंकर और ये हमारा क्राउड और ये हमारे ऑर्गेनाइजर, और भाई तुम्हारा भाई भी आज इंटरव्यू देगा फुल कैडे वाला, पूरा बता दूंगा मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, सब बताऊँगा, और क्योंकि टाइम ही तो काटना है, क्योंकि कंपटीशन ख़त्म हो चुका है। मैं कहाँ पे लगूँ? लाइन में लग जाओ। मैं कहाँ पे लगूँ जी? आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहला आप अपना नाम। ये लो भाई, इंट्रोडक्शन स्टार्ट। भाई मेरा इंट्रोडक्शन होगा, मैं अपना दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा, वैसे मज़ा आ रहा है देखने में सुनने में। यहाँ पे आके सबसे पहले तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, झूठ बोल लिया, नॉलेज मिलेगी बच्चों ने, बहुत ये भी झूठ, परफॉर्मेंस किया, बहुत कुछ। चलो भाई चलने दो, आपका नाम जानना चाहूँगा भाई। सबका इंट्रोडक्शन हो रहा है, बाकी जब मेरा होगा देखते हैं थोड़ी बातचीत। क्या करते हैं आप मुख्य रूप से? मैं एक डांसर हूँ और मॉडल हूँ, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जितने भी डांसर्स हैं उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं प्रदीप भैया, बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो मतलब ऐसे नहीं मिलते लोगों को, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे कम फीस में ज़्यादा कैश प्राइज, लाइक इतना अच्छा स्टेज, इतने अच्छे डांसर्स, तो बस यही बोलूँगा कि डांस आगे बढ़ा, लाइक फ्यूचर है ये, मतलब ये जो बच्चे हैं परफॉर्म कर रहे फ्यूचर है। जब हम लोग करते थे तो पेरेंट्स मतलब सपोर्ट नहीं करते थे, सबके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, अब पेरेंट्स खुद आ रहे हैं कंपटीशन में अपने बच्चों को लेकर, मतलब इस फील्ड में भी लोग अब रोजगार ढूंढ रहे हैं, इस फील्ड में बहुत रोजगार है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है ना, कि गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए, बट जो दिल से काम है ना उस काम का अलग ही मजा है और उसका बहुत। तो भाई इंट्रोडक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है, निकलते हैं अपना घर, अभी कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा मजा आया, बहुत सारी सीख सीखने को मिली भाई, कंपटीशन में हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट, तो मैं घर आया और उसके नाम से सोया, तो मॉर्निंग उठाऊँ तो ब्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।